नमस्कार, निर्माण आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेंस थ्रू एनसीईआरटी इस सीरीज में आर्ट एंड कल्चर, इसमें हम लोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो मंदिर स्थापत्य हैं उनके बारे में गहन अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इसके बारे में बहुत डिटेल से मंदिर संरचना को स्पष्ट कर देता है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग शैली को एनसीईआरटी जितना बेहतर तरीके से स्पष्ट करता है, संभवतः आर्ट एंड कल्चर के लिए लिखी गई कोई भी किताब जो कि सामान्य रूप से पढ़ी जाती है, वह उतनी बढ़िया से मंदिर संरचना या कोई भी स्थापत्य और आर्ट एंड कल्चर को उतने बेहतर तरीके से प्रदर्शित नहीं करती है। आज उसी यात्रा में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग, पिछले क्लास में हमने द्रविड़ शैली को कंटिन्यू करा, आज हम लोग वेसर शैली, उनके अलग अलग संरचनाएं, अलग अलग शासकों के दौर में विकसित शैलियां और उनके मंदिर और मूर्तियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वेसर शैली के संदर्भ में जो कि एक प्रश्न काफी चर्चा में रहता है, और वह प्रश्न है कि आज तक बहुत सारे इतिहासकार या बहुत सारे जो विद्वान हैं वो वेसर शैली को एक अलग शैली नहीं मानते, बल्कि ये मानते हैं कि वेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली की बस मिश्रित एक शैली है, वह अलग कोई एक शैली नहीं है। आज हम इन्हीं प्रश्नों का भी जानकारी लेंगे कि क्या क्वेश्चन है वेसर शैली एक अलग स्थापत्य शैली के रूप में, एक अलग स्थापत्य शैली के रूप में विद्वानों के बीच चर्चा का मुद्दा बना रहता है, चर्चा का मुद्दा बना रहता है, बना रहता है। आप इसे कैसे देखते हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? उपर्युक्त उदाहरणों के साथ, उपर्युक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। ठीक है, यह प्रश्न है। संभवतः यूपीएससी अगर वेसर शैली पर प्रश्न पूछेगा तो यह काफी डिबेटिव टॉपिक है, यही संभवतः प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि यह एक विवादित मुद्दा बना रहता है। ठीक है, आप इसको कैसे देखते हैं? वेसर शैली को जो विद्वान है वो दो भाग में बटे हुए हैं। कुछ विद्वान इसको एक अलग स्थापत्य की शैली मानते हैं, कुछ विद्वान इसको अलग स्थापत्य की शैली नहीं मान करके बस मिक्सर शैली के रूप में इसे देखते हैं। आपको इसका उत्तर अगर देना है तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे? मुझे उम्मीद है कि संभवतः अगर यह प्रश्न अभी आपके सामने आए तो शायद आप इसका बहुत अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इस क्लास के बाद आप इसका उत्तर बहुत अच्छा और परिपक्व तरीके से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे कि शैलीगत भिन्नताएं क्या क्या हैं, इसमें मूल संरचनात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं, और कैसे मंदिर मूल संरचना और शैलीगत भिन्नताएं दोनों साथ लिए हुए विकसित हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। दक्कन की वास्तुकला, हम जानते हैं कि भारत में वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली थी वो दक्षिण भारत में विकसित हुई। दक्कन में जो कि महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र था, जो वर्तमान में विजयनगर साम्राज्य का भी रीजन रहा है, जो आंध्रा और तेलंगाना का रीजन है, ये सभी मिलाकर के दक्कन का रीजन बनता है। मतलब मुख्य रूप से विंध्याचल के नीचे दक्षिण भारत के ऊपर मध्य भारत का रीजन। तो इस दक्कन में अनेक शैलीगत मंदिरों का जो डेवलपमेंट हुआ वो कर्नाटक केंद्रित हुआ, कर्नाटक के क्षेत्र में अनेक शैलीगत मंदिर विकसित हुए। ठीक है, और यहां पर उत्तर और दक्षिण दोनों जो मंदिर निर्माण की संरचनाएं थी, जैसे कि नागर और द्रविड़ शैली, दोनों की कुछ विशेषताएं शामिल हुई और कुछ उनसे हट करके भी एक मिश्रित शैली के रूप में संरचनात्मक विशेषता स्पष्ट हुई। हालांकि विद्वानों में अभी तक इसको लेकर के डिबेट बना रहता है।
लेकिन जो प्रारंभिक ग्रंथों में इसका जब उल्लेख किया गया है तो प्रारंभिक ग्रंथों में, कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसे एक अलग शैली के रूप में वेसर शैली के नाम से चर्चा किया गया है। अब विद्वानों में डिबेट का मुद्दा क्यों रहता है, क्योंकि वेसर शैली किताबों में तो लिखा गया है, प्राचीन किताबों में, लेकिन जब विद्वान देखने लगते हैं तो जो वेसर शैली के लिए विशेषताएं बताई गई हैं वो विशेषताएं या तो द्रविड़ से ली गई हैं या फिर उत्तर की नागर शैली से ली गई हैं। तो इसीलिए विद्वान इसको लेकर के बार बार डिबेट करते रहते हैं। अब सातवीं और आठवीं शताब्दी में ठीक है, इसके शुरुआत में एलोरा की, हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र के रीजन में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता और एलोरा दोनों हैं, ये एलोरा की बात हो रही है। एलोरा के को लेकर के 750 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलोरा में पहली एक मध्य भारत की जो प्रमुख मंदिर संरचना थी उसका निर्माण किया गया। ठीक है, अब एलोरा लेकिन है तो बेसर शैली के क्षेत्र में, लेकिन एलोरा की जो बनावट रही है वह दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली से कॉपी की गई है। अब यहां पर क्या हुआ कि एलोरा की वास्तुकला की सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है वह है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। और यह क्या कहा जाता है कि शैलीकृत वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा की यह पराकाष्ठा है, मतलब कि भारत में जो शैलकृत मंदिर निर्माण संरचना विकसित हुई, शैलकृत का मतलब कि पहाड़ों को काट करके जो मंदिर विकसित हुई उसमें एलोरा से बढ़िया मंदिर संरचना भारत में कहीं विकसित नहीं हुई, यह भारत में सबसे पराकाष्ठा है। ठीक है, लेकिन इस की यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र बेसर शैली का क्षेत्र है, यहां पर अन्य जो मंदिर बने हैं वो बेसर शैली में बने हैं, लेकिन जो कैलाशनाथ मंदिर बना है यह द्रविड़ शैली में बना है, पूर्णतया द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। और एक बात और होता है, इस मंदिर की एक विशेषता है कि जो भारत के अन्य भगवान शिव के जो मंदिर रहे हैं उनमें जो भगवान नंदी होते हैं उन्हें मंदिर के बाहर दिखाया जाता है। ठीक है, उनके लिए अलग से कोई मंदिर नहीं होता है, लेकिन कैलाशनाथ मंदिर जो है एलोरा का, इसकी एक विशेषता यह भी है कि भगवान नंदी का भी यहां पर अलग से एक मंदिर बना है, उनके लिए भी एक अलग देवालय है। भगवान शिव के मंदिर के सामने एक छोटा सा मंदिर है जिसमें कि भगवान नंदी विराजमान है। ठीक है, तो द्रविड़ शैली की जो विशेषताएं हैं जैसे कि प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा वो भी इसमें है। ठीक है, साथ ही चारों ओर उपासना कक्ष, पूजा पाठ करने के लिए जो कक्ष होते हैं मंदिर के चारों ओर हैं, और साथ में सहायक देवालय। पिछले क्लास में हमने चर्चा करी थी कि द्रविड़ शैली की विशेषता होती थी कि एक केंद्रीय मंदिर होता था जिसमें एक प्रमुख देवता होते थे, उनके आसपास अन्य देवताओं के मंदिर भी सहायक में होते थे, तो ये हमें कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में भी दिखते हैं। ठीक है, एक ही पहाड़ी को काट करके, एकास्म पहाड़ी मतलब एक बहुत पहाड़ को काट करके और बहुमंजिली संरचना के रूप में इस मंदिर को डेवलप किया गया है। एक ही पहाड़ से मतलब एक पूरे पहाड़ को काट करके एक मंदिर बना दिया गया है, इतनी भव्य मंदिर संरचना रही। आइए देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कैलाशनाथ मंदिर है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये पूरा पहाड़ है, साइड से सब पहाड़ है, पहाड़ को देखिए बीच से ऐसे काटा गया है और यह एक मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर है मेन मंदिर जो कि यहां दिख रहा है, यहां देखिए सामने ये भगवान नंदी का भी मंदिर है छोटा सा, ये लेकिन बहुमंजिला है। देखिए यहां से शुरू होता है मंदिर, 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला मंदिर का भवन निर्माण किया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहां से देखिए आप लोगों को थोड़ा ऊपर का व्यू है, ऊपर ये मंदिर की बनावट दिख रही है आप लोगों को, पत्थर है ऐसा, उससे सटा हुआ यह एक मुख्य क्या होता है, गोपुरम होता है। ठीक है, जब आप द्रविड़ शैली की चर्चा कर रहे थे तो मुख्य जो देवता का भवन होता था उससे सटे आगे अनेक मंडप होते थे, ये गोपुरम मतलब देवता का मंदिर हो गया, इसे सटे हुए अनेक मंडप होते थे, तो ये मंडप बने हुए हैं ऊपर से है तो ऐसा मंडप का चित्र है, उसके आगे यहां पर नंदी का भवन बना हुआ है। ये देखिए सामने से एक व्यू लिया गया है, अब स्पष्ट दिख रहा होगा, यहां देखिए ये मंजिल दिख रहे हैं, लोग अलग अलग मंजिलों पर जाकर के खड़े हैं।
यहां लोग खड़े हैं, यहां भी हैं, तो अंदर से पहाड़ को काट करके सुंदर एक मंदिर के तौर पर इसको विकसित कर दिया गया है। ठीक है, दिख गया होगा आप लोगों को। अब यहां से देखिए, दूर से भी दिख रहा है, पूरा का पूरा सब पहाड़ ही है, पहाड़ का चट्टान है, बीच में एक ये मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, ऊपर का ये व्यू है, ऊपर से ऐसे लिया गया है, चारों तरफ गहरे गड्ढे हैं, बीच में मंदिर है, उसके चारों ओर फिर पहाड़ी शुरू हो जाती है। ये भी ऊपर से व्यू है, देखिए मंदिर के ऊपर ही शेर, हाथी, ये सब भी बनाए गए हैं। ठीक है, ये अंदर देखिए हाथियों का पूरा डिजाइनिंग किया गया है, नीचे मंदिर के नीचे यहां पर आकृतियां बनाई गई हैं छोटी छोटी, ये सब चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी। ये देवी देवताओं की प्रतिमा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कैलाशनाथ मंदिर है, यह अपनी भव्यता के साथ साथ एक पूरे पहाड़ को काट करके मंदिर बनाए जाने के कारण बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इतना विशाल मंदिर, बहुमंजिला भवन, जो कि हम सभी जानते हैं कि जो द्रविड़ शैली के मंदिर बनते थे तो बहुमंजिला बनते थे, तो उसी तरीके से द्रविड़ शैली में यह मंदिर बना है, बहुमंजिला बना है, और साथ ही द्रविड़ शैली की जो संरचना होती है वो पूरे पत्थर पहाड़ को काट करके मंदिर बना दिया गया है, एक ही पहाड़ पूरा पहाड़ काट दिया गया। तो ये कलाकार उस समय 600-700 ईस्वी में कितने उन्नत रहे होंगे, कितना मेहनत लगा होगा, कम से कम इसको बनाने में 100 साल के आसपास का समय लगभग लगा होगा, पूरे चट्टानों को काटना, इतनी बारीकी से काटना कि थोड़ा सा अगर, क्योंकि पहाड़ में क्या है, चट्टाने अगर थोड़ा सा अगर गलत लग गई तो पूरा का पूरा मंदिर का ढांचा बिगड़ जाएगा, पूरा का पूरा डिजाइनिंग ही बिगड़ जाएगा, एक गलत पत्थर उखड़ गया तो इतनी सुंदर तरीके से, इतनी बारीकी के साथ इस पर काम किया गया होगा, यह सोच करके भी अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है कि यह आज नहीं बन सकता, उसी समय संभव था यह कर पाना। ठीक है, कितने उन्नत हमारे कलाकार रहे होंगे। अब आते हैं कि ठीक है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो मंदिर संरचना विकसित हुई, वह पहली मंदिर संरचना हमें एलोरा में दिखती है, क्योंकि इससे पहले अजंता में गुफा शैली के मंदिर गुफा बने थे, लेकिन वे पूरे के पूरे अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध गुफा है, उसमें मंदिर का कोई निर्माण नहीं हुआ था। पहली बार एलोरा के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पहला ऐसा मंदिर का संरचना था जो एलोरा के साथ विकसित हुआ, जहां पर कि कैलाशनाथ मंदिर का विकास हुआ। इससे पहले महाराष्ट्र के क्षेत्र में कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, ईश्वरीय पूजा पाठ के साक्ष्य मिलते हैं, ईश्वर की मूर्तियां भी मिलती है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। अब महाराष्ट्र के बाद आते हैं कर्नाटक के क्षेत्र में, कि कर्नाटक के क्षेत्र में वहां पर कैसे मंदिर संरचनाएं विकसित हुई। कर्नाटक में जब चालुक्य शासकों ने ठीक है कब्जा किया, तो उन्होंने वहां पर एक शासक हुए पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, उन्होंने वहां पर चालुक्य राज्य स्थापित किया, और वहीं पर पुलकेशिन प्रथम के शासनकाल के साथ ही कर्नाटक के क्षेत्र में भी कब से, लगभग 750 ईस्वी के आसपास से यहां पर भी ठीक है शासन शुरू हुआ 543 ईस्वी में बादामी के आसपास, लेकिन यहां मंदिर निर्माण संरचना शुरू हुई वो 8वीं शताब्दी के मध्य भाग, मतलब 750 ईस्वी के आसपास से यहां पर मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, तो जो प्रारंभिक चालुक्य के शासक थे, इन्होंने पहले शैलकृत गुफाएं बनवाई। ठीक है, गुफाएं बनवाई का मतलब पहले गुफा मंदिर पहाड़ को काट करके गुफा बनाया गया, और फिर उसी गुफा के अंदर मंदिर भी बनाया जाने लगा, और फिर उसी को उन्होंने क्या किया, एक मंदिर के रूप में डेवलप कर दिया। ठीक है, यह दिख रहा होगा आप लोगों को, एक स्थलकृत पहले गुफा थी, पहाड़ का चट्टान था, फिर उसको एक मंदिर के रूप में चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पे जो चालुक्यों ने, बादामी के चालुक्यों ने जो मंदिर बनवाए, उस मंदिर की भव्यता को अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहां से बादामी के चालुक्यों के बारे में ये देखिए। ठीक है, ये पूरा पूरा पहाड़ है, दिख रहा है, पहाड़ को काट करके देखिए यहां पर एक गुफा बनाई गई है, ये नीचे लेक है, झील है, यहां एक गुफा है, अंदर जाने का रास्ता है, इस गुफा से अंदर जाते हैं, यहां एक गुफा है, उस गुफा से अंदर जाते हैं, यहां एक गुफा है, इस गुफा से अंदर जाते हैं, और उसके अंदर की संरचना अगर आप देखेंगे तो देखिए गुफा के अंदर जब आप जाएंगे तो यह देखिए सामने से ऐसा है, दिख रहा है, पूरा पहाड़ है,
सुंदर तरीके से काट करके गुफा बनाया गया है, सीढ़ियां बनाई गई अंदर जाने के लिए, और ये दीवार बनाए गए हैं। अंदर भगवान शिव की ये नटराज की प्रतिमा बनाई गई है, दिख रहे हैं भगवान शिव नटराज के रूप में है, दिख रहे होंगे, ठीक है। ये गणपति महाराज हैं, भगवान ये नंदी हैं, तो नटराज के रूप में भगवान शिव। यहां पर देखिए भगवान वाराह हैं जो कि पृथ्वी का उद्धरण कर रहे हैं, पृथ्वी को जल से निकाल रहे हैं। यहां पर भगवान विष्णु के दशावतार का वर्णन किया गया है, भगवान विष्णु और उनके 10 अवतार दिखाए गए हैं, ठीक है। और यहां पर भगवान विष्णु शेषनाग के साथ अवस्था में है, यहां पर भी भगवान विष्णु ही है। तो इस तरीके से मंदिरों को हमने देखा कि यहां के जो मंदिर थे वो पहले गुफा बनाए गए, गुफा काट करके बनाए गए, गुफा के अंदर देवताओं की प्रतिमाएं बना दी गई, अब उसको फिर मंदिर मान लिया गया। मतलब यहां मुख्य रूप से संरचनात्मक मंदिर एक मंदिर के ढांचा के रूप में नहीं विकसित हुए, पहले एक गुफा हुआ, उस गुफा के अंदर देवता की प्रतिमाएं बना दी गई और उसे मंदिर मान लिया गया। तो जो चालुक्य शैली के प्रारंभिक मंदिर बने हैं वो कैसे रहे हैं, ये संरचना, ये मंदिर की संरचना के तौर पर डेवलप नहीं हुए बल्कि गुफा के तौर पर डेवलप हुए और फिर बाद में जाकर के वे मंदिर के रूप में देवता के उसके अंदर देवता बना दिया गया और वो मंदिर कहलाने लगे, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ये एक मंदिर है जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सब मंदिर आगे चर्चा करते हैं इसको, कि एहोल कर्नाटक में जो पुलकेशिन प्रथम थे वो पहली मंदिर जो थी गुफा के अंदर की वो उन्होंने बनवाई, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के दौर में अब एहोल कर्नाटक, कर्नाटक का एक एहोल शहर है उसके आसपास एक बहुत अच्छी दुर्गा मंदिर, माता दुर्गा का मंदिर बनवाया गया। और उस दुर्गा मंदिर की भव्यता को आप लोग देख लीजिएगा कि यह दुर्गा मंदिर बरामदे से घिरा हुआ है, बरामदे से घिरे हुआ मंदिर किस शैली के बनते थे, द्रविड़ शैली के, तो इसमें द्रविड़ शैली की विशेषता है, लेकिन शिखर इसकी नागर शैली की बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो एहोल का दुर्गा मंदिर है, यह एहोल का दुर्गा मंदिर जो है, ये देखिए ये माता दुर्गा का मंदिर है एहोल का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यह क्या है, एक पूरा घेरा गया है, संरचना है घेरी हुई, इसके अंदर इंटर करने के लिए इधर से सीढ़ी है, अंदर गए फिर उसके अंदर मंदिर है, मतलब द्रविड़ शैली की। लेकिन इसके जो शिखर है यह हालांकि थोड़ा टूटा हुआ है, यह किस शैली में बना है, यह नागर शैली का बना हुआ है। तो यह माता दुर्गा का जो मंदिर बना था, अब देखिए अब यह क्या है, बना हुआ है सिर्फ पहाड़ ही है, पत्थर ही है, दिख रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन इन पत्थरों में ये पहाड़ ही काट के बनाया गया है, लेकिन इनकी बारीकी जो पहले वाले मंदिर संरचना थी उससे बेहतर हो गई, ठीक है। यहां पर मंदिर पहले से बेहतर दिखने लगे। अगर थोड़ी और विशेषता देखें तो यहां पर देखिए महिषासुर मर्दिनी की माता दुर्गा का मंदिर है, माता दुर्गा अंदर मंदिर में ऐसे विराजमान है, ठीक है। प्रारंभिक मंदिर जो था वो अभी जो मंदिर था वो ऐसा है, अभी जो मंदिर का फोटो दिखाया गया थोड़ा डिजाइन किया गया है, ये ऊपर की कुछ जो ढांचा है वो लगभग गिर चुके हैं, बाद में फिर से इसका पुनरुत्थान कराया गया था, फिर से उसको डिजाइन किया गया था, मूल संरचना ऐसी थी। अब देखिए अब यहां एकदम साफ दिख रहा है, विजिबल दिख रहा है, ठीक है, दूसरे साइड से है। यहां से अंदर जाने पर देखिए ऊपर का जो भाग है वो टूट करके गिरा पड़ा है, बहुत छोटा सा है, तो इससे पता चल रहा है कि मंदिर प्रारंभिक मंदिर है, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर अभी यहां पर नहीं बना है। एक दूसरा मंदिर भी है यहां पर एहोल में ही, और वह मंदिर है लाड खान मंदिर, ठीक है। इस मंदिर में, इस मंदिर को देखकर के आप लोगों को लग जाएगा कि यह सिर्फ क्या है, एक झोपड़ी जैसा है, लेकिन उस झोपड़ी को डिजाइन किया गया है पत्थरों से। देखिए सुंदर, एकदम सुंदर बनावट दिखेगी लाड खान मंदिर की, ये देखिए ये लाड खान मंदिर है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को यह मंदिर दिख रहा होगा, विजिबल होगा, तो देखिए ये जो पत्थर के पिलर्स हैं, इसमें ज्वाइंट कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है, सिर्फ पत्थर ऐसे ही लकड़ी के तरह काट, लकड़ी की तरह काट करके और फिर पत्थर ऐसे ही सीधे सीधे रख दिए गए हैं, उन्हीं पत्थरों को डिजाइन बना करके गुंबद बनाया गया है, ठीक है, छोटा सा। और यहां देखिए चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, ठीक है, मंदिर में जाने के लिए ये सब पत्थर हैं,
पत्थर के बड़े बड़े चट्टान है जिनको कि काट करके लकड़ी जैसा बना दिया, खंभे जैसा, और उसी को ऊपर रख करके उसको ढक दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा छज्जा जैसा दिखता है, ठीक है, बनावट में दिख रहा है सुंदर सा, देखने में तो सुंदर ही लग रहा है, लेकिन आकार अभी दिख जा रहा है कि यह प्रारंभिक मंदिर है, इसमें कोई बहुत भव्यता दिख नहीं रही है। तो ये उस समय भव्यता नहीं थी इस मंदिर में, क्योंकि ये शुरुआती शैली के मंदिर है। अब यहां पर एक बात और भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो नागर शैली के मंदिर बने थे उत्तर भारत में, प्रारंभ से ही वो मंदिरों की संरचना एक अलग डिजाइन के साथ बनी होती थी। या फिर जो द्रविड़ शैली के मंदिर बने दक्षिण भारत में, उनके भी डिजाइन की संरचना शुरू से ही, चाहे मंदिर का आकार छोटा होता था, लेकिन डिजाइन की संरचना शुरू से ही बहुत अच्छी और भव्य होती थी। लेकिन अभी तक जो हमने मंदिर देखे हैं, इन सभी मंदिरों में कोई विशेष संरचना नहीं है, एक छोटे से आकार, ऊंचाई कम है, कोई एक जैसी शैली नहीं है, कहीं पर गुंबज है, कहीं पर गुंबज नहीं है, तो एक मिश्रित सी संरचना यहां पर दिखती है। लकड़ी के छत वाले मंदिरों जैसी यह संरचना लाड खान मंदिर में दिखती है। तो इसीलिए, हालांकि यह बना पत्थर का, इसीलिए कहा गया है कि बहुत सारे विद्वान इसको लेकर के डाउटफुल रहते हैं कि इसको एक अलग मंदिर संरचना मानी जाए या नहीं मानी जाए, ठीक है, क्योंकि यह प्रारंभिक मंदिर जैसे लगते हैं कि शुरू शुरू में, जैसे उत्तर भारत में एक मंदिर बना था 5वीं सदी में गुप्त काल में, सांची का मंदिर, वह सिर्फ एकदम सांची का मंदिर, लेकिन फिर भी उसमें एक विशेषता क्या थी कि वह जमीन पर बना था और चबूतरे के ऊपर डिजाइन करके बनाया गया था, वह किसी पहाड़ को काट करके ऐसे नहीं बनाया गया था, वह स्पेशल एक मंदिर की संरचना के रूप में था। लेकिन जो दक्षिण, जो मध्य भारत में, दक्षिण मध्य भारत में जो मंदिर बने हैं, जो बेसर शैली के मंदिर बने हैं, इन मंदिरों में, विशेष करके प्रारंभिक मंदिरों में, कोई ढांचा नहीं दिखता है, कोई एक अलग शैली नहीं दिखती है, ठीक है। और ये क्या है, ये भिन्न भिन्न वास्तु शैलियों का एक स्थान पर समामेलन है, सभी शैलियां एक जगह मिल गई हैं, ठीक है। अब आते हैं कि यहां पर एक मंदिर दिख रहा है आप लोगों को, कर्नाटक में ही, जब बाद में, इनके बाद जब पुलकेशिन द्वितीय, मतलब चालुक्यों के बाद जब वहां पर होयसलों का शासन आया, तब जाकर के फिर मंदिर की संरचना अलग बनने लगी। अब यह मंदिर दिख रहा है आप लोगों को, सोमनाथपुरम मंदिर, ठीक है। यह मंदिर जो बना है, यह देख करके आप लोगों को अलग एक मंदिर की संरचना दिख रही होगी। यह मैसूर में स्थित है, ठीक है, यह मैसूर में स्थित है। यहां पर लगभग 100 मंदिर बनाए गए हैं, और ये 100 मंदिर बेलूर, हेलीबिड और सोमनाथपुर, ये 3 जगह पर बनाए गए हैं। इन मंदिरों की विशेषता क्या है कि इनको एक स्टार शेप में बनाया गया है, तारा के जैसा। देखिए ये मंदिर गोल गोल भी हैं, लेकिन गोल कैसे गोल हैं, ऐसे ऐसे करके गोल हैं, ठीक है, दिख रहे हैं स्टार शेप मंदिर तारे के। तो यह मंदिर, यह न तो उत्तर भारत में दिखता है और ना ही द्रविड़ शैली में दिखता है, ना तो ऐसी स्टार वाली संरचना नागर शैली में है, ना ही द्रविड़ शैली में है। इसीलिए जो बेलूर हेलीबिड और सोमनाथपुरम के जो होयसलों ने मंदिर बनवाए, इन मंदिरों को देख करके कहा जा सकता है कि हाँ, अब मंदिर निर्माण की संरचना द्रविड़ शैली और नागर शैली से भिन्न होकर के एक अलग बेसर शैली के रूप में विकसित हो गई, ठीक है। तो ये लगभग बाद में 850 ईस्वी के आसपास ये मंदिर बनने शुरू हुए। इन मंदिरों की योजना तारे जैसी थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, तारकीय मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक सुंदर सा मंदिर है हेलीबिड में स्थित, होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर एक बहुत फेमस मंदिर है। देखिए ये है होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, यहां पर उसी को यहां पर दिखाया गया है। ये देखिए कितनी सुंदर बारीक से डिजाइनिंग की गई है। अगर आप लोगों को इसकी कार्विंग दिख रही होगी, मंदिर बहुत ऊंचा नहीं है क्योंकि ऊंचाई इसमें नहीं होती है, जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं वो काफी ऊंचे होते हैं, लेकिन इन मंदिरों में ऊंचाई नहीं है। लेकिन इसकी बनावट देखिए, हर जो दीवार है पत्थर की बनी है और खूब कार्विंग की गई है, खूब डिजाइनिंग की गई है, सुंदर सुंदर। यहां देखिए ये नंदी महाराज है, नंदी महाराज को भी देखिए गहनों की तरह डिजाइन, इनको ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे लग रहा है कि क्या पहने हुए हैं, गहने पहने हुए हैं, दिख रहे हैं। तो यहां के जो मंदिर बने हैं कांची, जो नीचे वाले कर्नाटक के नीचे वाले क्षेत्र में हम्पी के, तो वहां पे
सिलखड़ी पत्थर का प्रयोग किया गया, इसीलिए यहां के नंदी जो दिख रहे हैं आप लोगों को वो बनावट में भी सुंदर दिख रहे हैं, काले चमकदार पत्थर और उनके ऊपर सुंदर सुंदर कार्विंग भी दिख रही है। देखिए इनके पैरों को भी सुंदर डिजाइन किया गया है गहनों के साथ। यहां एक दूसरे नंदी भी हैं, इनको भी डिजाइन किया गया है। यहां देखिए जो मंदिर है यहां पर लगभग 11 लेयर बनाई गई हैं और सब लेयर में एक विशेषता है, सब लेयर में अलग अलग जानवर बनाए गए हैं, सुंदर खूब सुंदर छोटे छोटे, इतनी छोटी कार्विंग की गई है। यहां देखिए मंदिर की दीवार है, इतनी अधिक उसमें कलाकृतियां बनाई गई हैं छोटे छोटे क्षेत्रों में कि यह देखते ही लगता है कि यहां के कलाकार बहुत ही उन्नत रहे होंगे। ये लगभग सभी भारत के कलाकारों में काफी। अब यहां पर देखिए ये माता सरस्वती वीणा बजा रही हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को दिख रही होंगी तो। अब इसमें देखिए इतना सुंदर खूब कार्विंग किया गया है, हर जगह इनको गहना जो दिखाया गया वो गहना भी छोटे छोटे तरीके से एकदम डिजाइन किया गया है। गहने की बनावट देखिए, लग रहा है कि हर जगह इतनी जबरदस्त कार्विंग की गई है कि माता सरस्वती सच में एकदम गहनों से लदी दिख रही हैं, ठीक है। ये देखिए महिषासुर मर्दिनी डिजाइन की गई है माता दुर्गा, ये महिषासुर को मारे ये भी खूब गहने पहने हुए हैं और गहने को भी खूब सुंदर डिजाइन किया गया है। ये मंदिर की दीवारें हैं, तो यहां जो मंदिर बने, ठीक है, जो होयसलेश्वर मंदिर बना हेलीबीड में, यह अपने आप में किस लिए फेमस है, क्योंकि यहां परतदार चट्टानों का प्रयोग किया गया है और इसे बेसर शैली का मंदिर अलग कहा जा सकता है, क्योंकि इनके और साथ ही इसकी जो अलंकारिक है, अलंकारिक उत्कीर्ण है, इन मंदिरों पर जो अलंकरण की गई है वह भारत के सभी मंदिरों से ज्यादा अलंकृत है। तो इसीलिए अब विशेषता क्या हो गई, मंदिरों का अलंकरण बहुत अच्छा हो गया, डिजाइनिंग बहुत अच्छी हो गई, ऊंचाई गुंबद नहीं है, ठीक है, ऊंचाई लिमिटेड है, छोटे कद के मंदिर है लेकिन कार्विंग बहुत अधिक है। तो अब जाकर के मंदिर एक अलग मंदिर के रूप में, एक अलग स्थापत्य शैली के रूप में दिखाई देने लगे, ठीक है। तो इसीलिए अब जो होयसल शासकों ने बेसर शैली के जो मंदिर बनाए इनको एक अलग से बेसर शैली का मंदिर माना जाने लगा, ठीक है। अब जैसे हेलीबीड का जो मंदिर है, वो जो अभी मंदिर हमने देखा, वो मुख्य रूप से भगवान नटराज के लिए, भगवान शिव के लिए है, लेकिन यहां भगवान नटराज को भी खूब गहने पहने हुए दिखाया गया है, ठीक है। इस मंदिर का जो गुंबद है वो काफी पहले ही गिर चुका है, हालांकि गुंबद छोटा सा गुंबद होता था लेकिन वो गिर चुका है, लेकिन यह मंदिर अपने आप में स्टार शेप में तारे के जैसा दिखता है, बहुत सुंदर कार्विंग डिजाइन की गई है। इस मंदिर की विशेषता एक और भी है कि यहां पर पशुओं और देवी देवताओं को बहुत अधिक संख्या में डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। यहां पर पशु खूब छोटे छोटे पशु बनाए गए हैं, वैसे ही छोटे छोटे देवी देवता भी मंदिर के बाहरी दीवारों पर खूब बनाए गए हैं। इन आकृतियों का जो उत्कीर्णन हुआ है वह अत्यंत जटिल और बारीक है, खूब बारीक और जटिल बनाए गए हैं। यहां पर सबसे निचली जो परत हमने अभी देखी थी, सबसे नीचे का जो चित्र है वल्लरी उसे कहते हैं, महावत के साथ सैकड़ों हाथियां एक साथ बनाई गई हैं, लेकिन एक विशेषता क्या है कि उन सभी में किसी भी कोई भी दो हाथी एक मुद्रा में नहीं है, मतलब सैकड़ों हाथियां हैं और सभी हाथियां अलग पोजिशन में है। सोचिए कलाकारों ने कितना ज्यादा सोचा होगा इस डिजाइन को बनाने में। तो ये एक अलग शैली यहां पर दिख जाती है और इसीलिए इन डिजाइनों के चलते, इन बारीकियों के चलते, अस्टार्ड शेप के चलते इन मंदिरों को अलग से बेसर शैली का मंदिर माना जाने लगा, ठीक है। तो बेसर शैली के जो प्रारंभिक मंदिर बने उनमें हमने जो देखा था तो उनको देख करके ये लगा कि ये द्रविड़ और नागर शैली के मिक्स हैं, लेकिन बाद के जो मंदिर बनने लगे, हेलीबीड के मंदिर जो बने, उन मंदिरों को देख करके कहा जाने लगा कि हाँ अब मंदिर एक अलग शेप में आ गया, स्टार्ड शेप में आ गया, ऊंचाई कम रही लेकिन उन पर बारीकी के साथ, सुंदर गहनों के साथ, मूर्तियों को सजावट के साथ डिजाइन किया गया, इसीलिए अब जाकर के मंदिर एक अलग स्थापत्य मंदिर के रूप में स्थापित हो गया। तो इन मंदिरों के चलते ही बेसर को या मध्य भारत के नीचे वाली जो भूमि थी उसको एक अलग क्षेत्र मान करके और बेसर शैली का क्षेत्र मान लिया गया, ठीक है। तो यहां तक हमने
बेसर शैली के बारे में जाना। ठीक है, कल हम लोग जो विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर संरचना विकसित हुई उसको देखेंगे, एक छोटा सा बस टॉपिक है, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। मंदिर संरचना कल समाप्त होती है, उसके बाद आगे हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू कर जाएंगे। लेकिन यहां आपको एक बात बताना है कि जो हम लोगों ने मंदिर भारत की इतनी डिटेलिंग करी है मंदिर के बारे में, अगर मंदिर स्थापत्य से कोई प्रश्न आता है तब तो आप उसका उत्तर करेंगे ही करेंगे, लेकिन मंदिर स्थापत्य से भिन्न करके कोई अलग करके भी बहुत सारे भारत के स्थापत्य के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है और आप इन सब चीजों को कोट करते हैं भारतीय स्थापत्य शैली के बारे में, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इन मंदिरों की चर्चा करने मात्र से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अपने ज्ञान को विस्तृत करते रहिए, एनसीईआरटी से जुड़े रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ज्यादा बेहतर आपको यूपीएससी मेंस के लिए तैयार करने वाला सोर्स लगभग नहीं है। ठीक है, तो जो प्रश्न मैंने दिया है उसको ध्यान से लिखिएगा और कोशिश करिएगा कि लिख करके निर्माण इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सबमिट कर दीजिए, वहां पर भी आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। बाकी अगर नहीं कर पाते हैं तो भी लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, मैं प्रश्न आपके सामने रख देता हूं, जो प्रश्न हमने शुरू में रखे थे। हाँ ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है, इसको कोशिश करिएगा कि आप लोग लिखिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।